Assalamualaikum students, it is your computer class and it's lecture number 10. In the last lecture we studied about some propositions. What is a proposition, why we call it a boolean proposition, and the truth values of those propositions. Okay, so a proposition is a sentence that can either be true or false, and these true and false are the truth values of that proposition. That was the last lecture. So in today's lecture we are going to start the next topic, that is logical operators. So first of all, see the lecture overview. The first thing we are going to study is compound propositions. What are compound propositions? The second topic is logical operators, and there are three types of logical operators we are going to study, that are AND, OR, and NOT. So starting with the compound propositions, first of all, what was the proposition? Proposition is a sentence that can either be false or true. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है. तो अब कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? When we assemble more than one propositions to make one proposition, it is called compound proposition. जब हम मोर देन वन प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है? कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाती है. ठीक है, एक प्रोपोजिशन थी हमारे पास, सपोज दो प्रोपोजिशन थी, हमने उन दोनों प्रोपोजिशन को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करके जो वो एक प्रोपोजिशन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोपोजिशन. ठीक है, When we assemble more than one propositions to make one proposition. जब हम एक से ज्यादा propositions को आपस में combine करते हैं और उन्हें एक ही proposition बना देते हैं, उस proposition को क्या कहते हैं? Compound proposition. Truth value of compound propositions depend on the truth value of individual propositions. अब हमारे पास जो individual propositions थी, हर एक की अपनी अपनी truth value थी, या तो वो true थी या तो वो false थी. अब हमारे पास जब हमने propositions को combine किया तो हमारे पास क्या बन गई? एक compound proposition. अब इसकी truth value कैसे निकलेगी? वो किस पे डिपेंड करती है? वो हर एक की truth value पे डिपेंड करती है. हम आगे देखेंगे कि कोई भी compound proposition है तो वो उसकी truth value कैसे निकलती है, जो डिपेंड करती है हर इंडिविजुअल प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू पर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एग्जाम्पल हियर. वन प्रोपोजिशन इज टूडे इज मंडे, एंड द सेकेंड प्रोपोजिशन इज आई एम इन स्कूल. तो ये दो प्रोपोजिशन है हमारे पास. अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनानी है. सो टूडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज ए कंपाउंड प्रोपोजिशन. ठीक है, एक प्रोपोजिशन थी हमारे पास टुडे इज मंडे और दूसरी प्रोपोजिशन थी हमारे पास आई एम इन स्कूल. तो हमने जब इन दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन किया तो ये क्या बन गया? कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया. लेकिन अब दरमियान में हमारे पास क्या आ गया? एक एंड आ गया. इस एंड को क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं. तो ये एंड जो दरमियान में आया, जिसने कनेक्ट किया है दो प्रोपोजिशन को, ये क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है. ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट प्रोपोजिशंस. तो जब हम दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है? लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कनेक्ट होती है. ठीक है, इन द लास्ट एग्जाम्पल एंड वॉज अ लॉजिकल ऑपरेटर दैट कनेक्टेड टू प्रोपोजिशन टू मेक अ कंपाउंड प्रोपोजिशन. जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखी है, दैट टूडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, उसमें जो एंड था वो क्या था? एक लॉजिकल ऑपरेटर था जिसने दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट किया था और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई थी. देर आर थ्री मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स. थ्री से ज्यादा भी होते हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो कितने हैं? थ्री हैं, दैट आर एंड, और एंड नॉट. अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि एंड क्या करता है, और क्या करता है, और नॉट क्या करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंड ऑपरेटर. अब इसके आगे ये डॉट क्यों है? क्योंकि एंड ऑपरेटर को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ
डॉट, जब भी हमने जैसे हमने पीछे किया था टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, वहां पे अगर हम एंड नहीं लिखते तो हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, डॉट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंड को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से. सेकेंड पॉइंट इज इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू. अब सपोज हमने जो पहले एग्जांपल पढ़ी थी दैट टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, वो दो प्रोपोजिशंस थी. अगर आज मंडे है और मैं स्कूल में हूँ तो वो दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू क्या है, ट्रू है. अब जब दोनों जो कनेक्टेड हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं उन दोनों की वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू होगी. ठीक है, एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल. सपोज कर लेते हैं कि आज मंडे है, दैट वैल्यू इज ट्रू, उस प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है. एंड आई एम इन स्कूल और मैं स्कूल में हूँ और उसकी वैल्यू भी ट्रू है, तो दोनों प्रोपोजिशन जो अलग अलग हैं उनकी वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है. तो अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन हमने दोनों को कंबाइन करके बनाई थी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू होगी. ठीक है, इवन इफ वन प्रोपोजिशन इज फॉल्स इन अ कंपाउंड प्रोपोजिशन देन इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स. अब सपोज हमने जो पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी टूडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, सपोज टूडे इज मंडे उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, बट आई एम इन स्कूल जो हमारे पास प्रोपोजिशन थी उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स. तो अगर दोनों जितनी भी हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन में अलग अलग इंडिविजुअल प्रोपोजिशन हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू भी फॉल्स है तो हमारे पास जो पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. सपोज हमने तीन प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई थी जिसमें से दो की वैल्यू क्या है, ट्रू, लेकिन एक प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉल्स. तो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फॉल्स. ठीक है, जब हम एंड ऑपरेटर को यूज करके दो प्रोपोजिशन या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू कब होती है, जब हमारी सारी इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू हो. ठीक है, और जब हम एंड ऑपरेटर से प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं तो उसमें फॉल्स कब होती है, जब सारी प्रोपोजिशंस में जिन्होंने कनेक्ट करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई थी कोई एक भी फॉल्स हो तो पूरे कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स. ठीक, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी एंड क्यू. सपोज कर लें कि टूडे इज मंडे को हमने नाम क्या दे दिया, पी, क्योंकि हम उन्हें लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो आई एम इन स्कूल था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, क्यू. सो जब हमने उन्हें कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया और एंड से कनेक्ट किया तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू. पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टुडे इज मंडे, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एम इन स्कूल. सो इन दोनों को हमने कनेक्ट किससे कर दिया है, एंड से. तो ये हमारे पास क्या है, जो हमने पीछे प्रोपोजिशन पढ़ी थी कंपाउंड प्रोपोजिशन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू. क्यों, क्योंकि हम एंड ऑपरेटर को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ एंड की जगह एक डॉट लगा के भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दो हमारे पास प्रोपोजिशन थी पी और क्यू, और हमने इन दोनों को कनेक्ट कौन से ऑपरेटर से किया है, एंड ऑपरेटर से किया है. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज ओर ऑपरेटर. ओर ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लस. जैसे हमने एंड ऑपरेटर देखा था कि हम उसकी जगह डॉट लिख सकते हैं, इसी तरह ओर ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस. इफ वी यूज ओर ऑपरेटर टू कनेक्ट प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन विल बी ट्रू इवन इफ वन ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन इज ट्रू. जब हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था तो उसमें जब तक सारी इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू नहीं होती थी कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू नहीं हो सकती थी. ठीक है, उसमें अगर एक भी फॉल्स होती थी तो पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती थी, फॉल्स. लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हमारे पास जितनी भी इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस है अगर उनमें कोई एक भी ट्रू है तो हमारे पास कनेक्टेड जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी. ठीक है, सपोज हमने पीछे जो एग्जाम्पल की थी टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, उसमें से टुडे इज मंडे इज ट्रू बट आई एम इन स्कूल इज फॉल्स. तो हमारे पास अगर हमने उन दोनों को और ऑपरेटर से कंबाइन किया, मतलब टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल, तो एक की वैल्यू क्या है,
है हमारे पास ट्रू लेकिन दूसरे की क्या है फॉल्स. लेकिन जो हमारे पास और से कनेक्ट करके हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई है उसकी वैल्यू क्या होगी ट्रू. ठीक है, जब भी हम और ऑपरेटर से दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं तो अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू. सपोज हमारे पास दो प्रोपोजिशन नहीं है, थ्री या फोर या जितनी भी प्रोपोजिशन है, तो अगर सब प्रोपोजिशन में से कोई एक भी ट्रू है तो और ऑपरेटर के केस में जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो क्या होगी ट्रू. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ और ऑपरेटर कैन बी फॉल्स ओनली इफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन इज फॉल्स. अब और ऑपरेटर में जब कंपाउंड प्रोपोजिशन बनती है तो वो फॉल्स कब होती है, सिर्फ तब जब आपके पास जितनी भी इंडिविजुअल प्रोपोजिशन है सबकी सब क्या हो जाए फॉल्स हो जाए. ठीक है, सपोज टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल, टुडे इज मंडे भी फॉल्स है एंड आई एम इन स्कूल भी फॉल्स है. ठीक है, दरमियान में हमने कनेक्ट किससे किया है और से, तो अगर दोनों जो कनेक्टेड प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगी उन्हें और ऑपरेटर से कनेक्ट करने के बाद वो क्या होगी फॉल्स होगी. ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आपके पास एक भी प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू हो तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू हो जाती है, और अगर आपके पास सारी फॉल्स हो तभी कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स होती है वरना फॉल्स नहीं होती. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी और क्यू. अब पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और क्यू भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और हमने उसे कनेक्ट किससे किया है और से. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी प्लस क्यू क्योंकि और ऑपरेटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस से. तो हम यहाँ पी और क्यू जो दोनों प्रोपोजिशन है उनके दरमियान में उन्हें कनेक्ट करने के लिए प्लस का यूज भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट एंड द वी हैव इज नॉट ऑपरेटर. अब जब हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़े थे वो किसी ना किसी दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, वो कनेक्टर थे. एंड भी जब हम यूज करते थे तो हम प्रोपोजिशन को कनेक्ट करके यूज करते थे और जब हम और यूज करते थे तब भी प्रोपोजिशन कनेक्ट होती थी. लेकिन नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कनेक्टर नहीं है, जो दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक प्रोपोजिशन पे ही अप्लाई होता है. इज अ लॉजिकल ऑपरेटर बट नॉट अ कनेक्टर. जो हमने पहले दो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं एंड और नॉट, वो दोनों क्या थे कनेक्टर थे, लेकिन नॉट ऑपरेटर कनेक्टर नहीं है, ये दो या उससे ज्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट नहीं करता. इट इज यूज टू निगेट अ प्रोपोजिशन. ये किसी भी प्रोपोजिशन की वैल्यू को इनवर्स करने के लिए यूज होता है. सपोज अगर किसी प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है और आप उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी False, ठीक है. सो इट इज यूज टू निगेट अ प्रोपोजिशन, उसे नेगेटिव कर देता है, उसका उलट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल टूडे इज मंडे, ये एक प्रोपोजिशन है हमारे पास जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है पी से. सो नॉट पी, ये नॉट क्या है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर और ये पी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपोजिशन है. इसका क्या मतलब है, टूडे इज नॉट मंडे. जैसे ही हम P के साथ नॉट यूज करेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोपोजिशन क्या हो गई है, टूडे इज नॉट मंडे. इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू वॉज ट्रू देन आफ्टर द लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इट्स वैल्यू विल बी फॉल्स. सपोज टूडे इज मंडे, इसकी वैल्यू क्या थी ट्रू थी, ठीक है. लेकिन जब हमने नॉट P लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोजिशन थी वो क्या हो गई है, टूडे इज नॉट मंडे. टुडे इज मंडे जब ट्रू था तो टुडे इज नॉट मंडे ऑब्वियसली क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है. तो जब भी हम किसी प्रोपोजिशन के साथ नॉट यूज करते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू इनवर्स हो जाती है, अगर वो ट्रू थी तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर वो फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी. इट कैन ऑल्सो बी डोनेटेड बाय दिस, दिस इज अ साइन ऑफ नॉट ऑपरेटर, ठीक है. इट कैन बी रिटन एज दिस, ये निगेशन का साइन है हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर का सिंबल है और उसके साथ हमने क्या जो हमारे पास प्रोपोजिशन थी वो हमने पी लिख दिया, ठीक है. सो आज हमने तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं और कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है वो पढ़ी है. कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जब हम दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाती है कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाती है. उन्हें जो कनेक्ट करता है वो कौन होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है. मोस्टली वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है. नॉट ऑपरेटर एक कनेक्टर नहीं है जो कनेक्ट नहीं करता, लेकिन एंड और दोनों क्या है कनेक्टर है. फिर हमने एंड पढ़ा और पढ़ा और अब ये नॉट पढ़ा. एंड क्या करता था, जब आपकी सारी वैल्यूज ट्रू होती थी
तभी वो ट्रू होता था, अगर एक भी फॉल्स हो जाती थी तो उसके कंपाउंड जो कंपाउंड प्रोपोजिशन थी हमारे पास वो फॉल्स हो जाती थी। और में क्या था कि अगर कोई एक भी ट्रू है तो आपकी पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी, और नॉट में क्या है कि आपकी प्रोपोजिशन की जो भी ट्रूथ वैल्यू है वो उसको क्या कर देगी, इन्वर्स कर देगी। अगर वो ट्रू थी तो उसको फॉल्स कर देगी, अगर वो फॉल्स थी तो उसको ट्रू कर देगी।